हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पिछले साल जब मैंने अंजलि से बात की थी, उससे उसका इंटरव्यू लिया था रैंक 44, शी टोल्ड अस द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट, हाउ हर फैमिली सपोर्टेड हर ड्यूरिंग द लो फेज एंड उसके पेरेंट्स ने किस तरीके से उसको मेंटल स्ट्रेंथ दी। सर, फॉर्चुनेटली माई फैमिली वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव। आई रिमेंबर जब मेरा सेकेंड टाइम प्री भी नहीं हुआ था, सो everybody was they were disheartened, but my father he came and he told me that you know you have all the six attempts, so you write all the six attempts, and to that extent they were supportive, that they told me that even if nothing happens in all the six attempts and you are left with nothing, there are so many options out there, so don't fear that kuch nahi hoga life mein ya career ki band baj gayi, everybody is at good things and we will figure out something, but till the time you have attempts, you give it all that you have got. So there was, I think, unwavering support from my home. So आज का वीडियो इज फॉर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स जिनके बच्चे यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू, यूपीएससी एग्जामिनेशन पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि इस एग्जाम में देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड इस फेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत प्रेशर लेते हैं, जिस वजह से उनका जो परफॉर्मेंस आना चाहिए वो आता नहीं है। इन दिस फेज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू सपोर्ट देयर चाइल्ड, गिव देम मेंटल सपोर्ट, टॉक टू देम, गिव देम दैट कॉन्फिडेंस। मेरे प्रिपरेशन के वक्त मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे भाई को हमेशा बोलते थे, अगर नहीं होता है तो इससे भी अच्छा हम कुछ करेंगे, प्रेशर मत ले, बिंदास जाके एग्जाम दे, एंड वी वुड नॉट जज यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। बट एक ही चीज वो हमेशा बोलते थे कि यू जस्ट गिव 100%, डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट। ये जो उनके वर्ड्स थे, दैट गेव मी इमेंस कॉन्फिडेंस। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा प्रीलिम्स दे रहा है, अगर आपका फ्रेंड प्रीलिम्स दे रहा है, टॉक टू देम इन दिस लास्ट फेज, क्योंकि वो बहुत प्रेशर में है, बहुत एंग्जाइटी फील कर रहा है। अगर आप उससे अच्छे से बात करोगे, उसके प्रॉब्लम समझ के लोगे, उसको सपोर्ट करोगे, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज द एग्जाम इज नॉट द एंड। मैं हमेशा बोलता हूँ, एस्पेरेंट्स को भी बोलता हूँ एंड पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, ये एग्जाम एंड नहीं है, इट्स अ गुड वे टू सर्व द नेशन, बट इट इज नॉट द ओनली वे। आपका रिलेशनशिप, आपका जो देखने का नजरिया है आपके बच्चों के तरफ चेंज नहीं होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर भी नहीं किया है, बहुत बड़े लोग बन चुके हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो बच्चे ने ट्राई किया है, यूपीएससी ट्राई करने की कोशिश की है, यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये एग्जाम देना मतलब क्या है, आपके कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है, अच्छी जॉब छोड़ के एग्जाम देना है, रिस्क के एग्जाम देना है। अगर आपके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू, दिस इज इन इटसेल्फ एन अचीवमेंट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ सोचते हैं एग्जाम देना, लेकिन इफ ही इज एस्पायरिंग, इफ ही इज प्रिपेयरिंग, दैट इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट। एंड इस एग्जाम से जो भी आउटकम निकलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, द आउटकम वुड बी योर सन और डॉटर वुड बी पॉलिटिकली अवेयर, सोशली एम्पावर्ड, सेकेंडली ही वुड बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन एंड अ रैशनल ह्यूमन बींग। एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट है इस एग्जाम के प्रिपरेशन का। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये बाकी एग्जाम की तरह एग्जाम नहीं है। अभी तक आपके बच्चों ने 10th, 12th, नीट, जेईई, कॉलेज के एग्जाम दिए होंगे, बट दिस एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट एग्जामिनेशन, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड द सिलेक्शन रेट इज वेरी लो, सो दिस एग्जाम रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, एंड ये सारे माहौल में अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट्स का मोटिवेशन और कम हो जाता है। अगर आप कंसिस्टेंटली उसके पीछे रहोगे, उसको स्ट्रेंथ दोगे, मोरल सपोर्ट दोगे, मेंटल स्ट्रेंथ दोगे, मैं गारंटी देता हूं उसका सिलेक्शन होगा। ये प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा वो आपके बारे में सोच रहा है कि मेरे पेरेंट्स को कैसे लगेगा, मेरे करियर में मैं पीछे पड़ रहा हूं, मेरे दोस्त आगे निकल रहे हैं, वो सारे प्रेशर ले रहा है। अगर आप इस मोमेंट पर उसको सपोर्ट करोगे तो वो प्रेशर फ्री पढ़ाई कर पाएगा एंड उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूं, मेरे भाई के एक्सपीरियंस है, या जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं, वन थिंग इज कॉमन, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे उनके प्रिपरेशन में। सो इन दिस लास्ट फेज आई वुड रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट टू कॉल योर चाइल्ड, आस्क देम, उनको सपोर्ट दीजिए, उनका मोटिवेशन बढ़ाइए, यू टेल देम कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट आपको जज नहीं करने वाले हैं एंड दे आर प्राउड कि वो एग्जाम दे रहा है। सेकेंडली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, वो हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेंगे। अगर सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, लाइफ में हमेशा साथ में रहेंगे, या उनको बताना है। अगर आप ये कर पाओगे लास्ट फेज में, डेफिनेटली यू विल सी अ डिफरेंट रिजल्ट। रिजल्ट के बाद तो बहुत लोग आएंगे आपको वाहवाही करने, प्रेस करने, लेकिन ये जो क्रिटिकल टाइम है, अगर आप आपके बच्चों के साथ खड़े रहोगे स्ट्रांगली, फर्मली, वो आपका नाम रोशन करेगा। तो इस फेज में उससे बातें कीजिए, उसका प्रॉब्लम समझिए, उसको सोल्यूशन दीजिए, रेगुलर पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखिए, ये सारी चीजें करनी जरूरी है, रादर देन पुटिंग हिम अंडर प्रेशर।
तो ये मेरा रिक्वेस्ट है टू ऑल द पेरेंट्स फ्रेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स टू सपोर्ट योर बेस्ट फ्रेंड टू सपोर्ट योर चाइल्ड टू सपोर्ट योर डॉटर इन दिस लास्ट फेज होप यू गेट द राइट मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो एंड सपोर्ट योर चाइल्ड इन दिस लास्ट फेज थैंक यू